हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज ट्रू और फॉल्स. ओके, आज हम ट्रू और फॉल्स की यहाँ रिवीजन करने वाले हैं. तो इसमें देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर वन जो दिया गया है 384 डिवाइडेड बाय 384, सो आंसर इज 384. किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा वन आता है. लेकिन यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें आंसर वही सेम नंबर दे दिया गया है. तो बताइए, यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? यस, ये नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमने 384 को 384 से डिवाइड किया तो आंसर वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ वही नंबर दिया है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 481 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, सो आंसर इज ज़ीरो. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा. फिर वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो या कितनी भी डिजिट का हो, अगर उसमें ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन एक भी बार आया है तो वो आंसर हमेशा ज़ीरो ही होगा. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है. तो ये नंबर क्या हो, ये सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा. ओके, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है. जैसे अगर हम यहाँ पर टू का टेबल ले रहे हैं, टू वन जा टू, तो ये देखिए टू जो है ये खुद का मल्टीपल है. ओके, इसी तरह से अगर इसके अलावा कोई भी हम ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 42 ले रहे हैं, 42 वन जा 42, तो ये 42 खुद का ही मल्टीपल हो गया ना. तो बस यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, हर नंबर वो खुद का मल्टीपल है. नाउ नेक्स्ट, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर. ज़ीरो जो है सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है. तो बताइए, स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है. ओके, मतलब किसी भी नंबर का सबसे, सपोज हमें यहाँ पर 58 का सबसे छोटा फैक्टर बताना है, तो 58 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 58 ही होगा, क्योंकि 58 वन जा 58 ही होता है, इसका और कोई छोटा फैक्टर नहीं हो सकता है. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है, फॉल्स है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1/4 इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन. यहाँ जो स्टेट फ्रैक्शन हमें यहाँ दिया गया है 1/4, ये कहा जा रहा है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन. तो दिस फ्रैक्शन इज़ ट्रू. हम कैसे यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि जब भी किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर 1 होता है तो उसे कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वही कहा गया है कि 1/4 इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन, ये यूनिट फ्रैक्शन है. तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब यहाँ जो फ्रैक्शन दिया गया है हमें 5/9, ये कहा गया है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉल होता है. ओके, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट दिया गया है, 5 यहाँ देखिए स्मॉल है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, मतलब न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है. तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, यस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट, हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉल होता है. तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या हो गया है आपका, फॉल्स होगा, क्योंकि ये जो 5/9 है ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में इम्प्रॉपर दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी ट्रू और फॉल्स की रिवीजन. सो स्टूडेंट्स रिवाइज इट. ओके, थैंक यू क्लास.